दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आपको डेली कितना पानी पीना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, आपको उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रिकवर किया है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर आप ज़्यादा वाटर पीते हैं तो आपका वेट लॉस होगा, और आपके अगर पैरों में जॉइंट पेन है या जॉइंट पेन कैसे भी अपने हाथ पैर में जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन है तो वो भी रिकवर होगा, एनर्जी मिलेगी आपको ज़्यादा वाटर पीने से, आपकी स्किन हेल्थी रहेगी, आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो आपका इन्फेक्शन निकल जाएगा ज़्यादा वाटर पीने से, बॉडी टॉक्सिक मिलेगा, आपका हार्ट हेल्थी होगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है डेली का खाने पीने का वो भी होगा आपका इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी डेली। और जो भी ज़्यादा वाटर पीने से एक बेस्ट फ़ायदा रहता है कि आपका जो रिस्क कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जो रिस्क रहता है वो बहुत कम हो जाता है, जीरो लेवल पे हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, वो डेटा में आपको मैं समझाऊंगा अगर आपकी एज वाइज आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपका केजी है 40 तो आपको दिन भर में 1 लीटर के आसपास पानी पीना होगा। अगर आपका एज फॉर एग्ज़ाम्पल 70 है तो आपको 1.5 लीटर के करीब पानी पीना होगा डेली। अगर आपका वेट 100 किलो है तो आपको वाटर कंज्यूम करना होगा डेली बेसिस पे 2.5 लीटर। तो आप ये डेटा में देख सकते हैं, अगर जिन लोगों को केजी समझता है तो केजी के अकॉर्डिंग आप वाटर कंज्यूम करिए, और जिनको एलबीएस समझता है, एलबीएस मतलब केजी का हाफ डबल होता है, डबल के नियर बाय होता है, 2.2 का हायर होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी मोर हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।